99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रूप सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं भी पेपर कटिंग भेजी है, आज दैनिक भास्कर इंदौर में ये निकला है। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी के 500 पद खाली हैं, फिर भी परीक्षा में पीएससी ने इन पदों को शामिल नहीं किया है। साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगा, उप निरीक्षक कर डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी सीटीआई के पद खाली हैं, तो वो पद भी इसमें उनने शामिल नहीं किए हैं, जबकि वैकेंसी वहां पर खाली है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि कल मंडे है, मंडे को शाम 5 से 8 बजे के बीच आपके और पदों के बढ़ने की संभावनाएं हैं। ये पूरा गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन कंफर्म है कि ये पद बढ़ाए जरूर जाएंगे, क्योंकि खाली पोस्ट है और 550 पद सरकार ने उसमें लागू किए थे। इस कारण इसके बढ़ने की संभावनाएं है जो हैं वो पूरी तरह से हाँ। एमपीपीएससी ने जो वर्तमान में 48 ही पद बढ़ाए हैं, जिससे पदों की संख्या 282 हो चुकी है। इसके अलावा अब जो कल दिनेश जैन का उनका स्टेटमेंट आया है कि हम रिजल्ट को 2 से 3 दिन में घोषित कर देंगे, तो इनकी ये घोषणा है कि हम 2 से 3 दिन में रिजल्ट लेने घोषित करने वाले हैं। जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मध्य लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदार के 48 पद बढ़ाए हैं। 18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी, इसका रिजल्ट इसी माह आने की संभावना है। 206 पदों का विज्ञापन फिर जुड़ा, उसके बाद बढ़कर 282 हो चुके हैं। पीएससी प्रबंधन के मुताबिक अभी और पद को बढ़ने की संभावना है, पूरी तरह बनी हुई है। इसके अलावा ये एक और है, दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको भी उन्होंने बढ़ाया है कि हम 2 से 3 दिन में रिजल्ट को दे देंगे। साथ ही स्टेटमेंट इन्होंने कहा है जो परीक्षा नियंत्रक दिनेश जैन है कि इससे पहले और पद बढ़ाए जाने की गुंजाइश होगी, उन्हें इस बार ही पद में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि अभी भी नए पदों की बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो जो पूरी तरह से है आप तैयार जुड़ जाएं। एक और चीज, पुलिस कांस्टेबल के लिए मंगलवार की शाम तक जो जिले अलॉटमेंट का टाइमिंग है, जिले अलॉटमेंट हो जाएंगे मंगल के सुबह तक, और रिजल्ट कंफर्म है उनका 2 दिन में जुड़ जाएंगे। साथ ही जो उप निरीक्षक है उनके भी जो है ज्वाइनिंग लेटर जो आ जाएंगी और ट्रेनिंग के टाइम पीरियड को वो ले लिया जाएगा। तो मंगल तक ये है, सुनने में कंफर्म है, देखते हैं। आप सभी जुड़े रहे जीएस चैनल पर। और कल आज से अपन एमपी के कल 3 टॉपिक पढ़े थे, आज हम फिजिक्स के 3-4 टॉपिक आज तैयार करेंगे।